आपल्या स्वार्थासाठी आईसारख्या शिवसेनेच्या पाठीत खंबीर खूप असते, त्याच्यावर तुम्ही काय विश्वास ठेवता? हे डरपोक लोक आहेत. अजित पवार असतील, एकनाथ शिंदे असतील आणि त्यांचे लोक असतील, हे एक नंबरचे डरपोक लोक आहेत. ते घाबरून पळालेले लोक आहेत. अटकेच्या भीतीने ईडी सीबीआय भ्रष्टाचारासंदर्भातले खटले त्यांच्यावरचे, या संदर्भात जे घाबरून पळाले, त्याने अशा प्रकारची भाषा करण्याच्यावरती विश्वास कोण ठेवेल? सर, हिंदी में जाना चाहेंगे, तीसरे चरण का चुनाव जो है आज है, कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? आज महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है और लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जिसमें बारामती शामिल है, कोंकण है, रायगढ़ है, माड़ा है, सोलापुर है, ये सभी सीटों पर वहां के जो सांसद है जो 2019 में चुनकर आए थे वो इस बार लोकसभा में नहीं जाएंगे. महा विकास आघाड़ी के लोग जीत कर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको सामान ने जो है इम्पोर्टेंट किया, सबको घर दिया, सबको नल दिया, जबकि रोजगार की बात नहीं करी. किस तरह नहीं, क्या देखना है? जनता देख रही है ना प्रधानमंत्री कितने झूठ बोल रहे हैं. ये प्रधानमंत्री देख, अब जनता देख रही है. सभी भ्रष्टाचारी देश के एक साथ लेकर आप पार्टी बना रहे हो और चुनाव लड़ने जा रहे हो, यही आपकी नीति है. आप ना सच्चाई के साथ आपका रिश्ता है, ना प्रामाणिक है अपने विचारों से. आप 10 साल में अपनी जो जो घोषणाएं की थी, महंगाई हो, गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, आप कितनी इस प्रकार की घोषणा खरी करके दिखाई मुझे बताइए. तो यूक्रेन रशिया काम पंतप्रधान मोदी ने केले असं मुख्यमंत्री आणि अजित पवार मोदी म्हणतात, परराष्ट्र मंत्र्यांनी असा दावा फेटाळला आहे. बघा, नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनचं युद्ध थांबवलं, ही जी अंधश्रद्धा पसरवलेली आहे भारतीय जनता पक्षानं, त्या संदर्भात आता मला असं वाटतं तुम्हाला जाऊन युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची मुलाखत घ्यावी लागेल. धन्यवाद. भारत उत्तर